इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मैं हूँ आईपीएस यादव। लेते हैं ओशो वाणी। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है, एक सम्राट आया बुद्ध को मिलने को लिए। स्वभावतः सम्राट था तो उसने एक बहुमूल्य कोहिनूर हीरा अपने हाथ में ले लिया और चलते वक्त तो उसकी पत्नी ने कहा कि पत्थर ले जा रहे हो। पत्नी ज़्यादा समझदार रही होगी, स्त्रियां अक्सर पुरुषों से ज़्यादा भावपूर्ण होती हैं। भाव की एक समझ होती है। पत्नी ने कहा पत्थर ले जा रहे हो, माना कि कितना ही मूल्यवान है, लेकिन बुद्ध के लिए इसका क्या मूल्य? जिसने सब साम्राज्य छोड़ दिया उसके लिए पत्थर ले जा रहे हो, यह भेंट कुछ जचती नहीं है। अच्छा तो यह हो कि अपने महल के सरोवर में पहला कमल खिला है मौसम का, तुम वही ले जाओ, वह कम से कम जीवित तो है। और बुद्ध कमलवत हैं, उनके जीवन का फूल खिला है, उसमें कुछ प्रतीक भी है। इस पत्थर में क्या है? यह तो बिल्कुल बंद है, जड़ है। तो बात तो उसको जची, तो उसने सोचा कि एक हाथ खाली भी है, पत्थर तो ले ही जाऊंगा क्योंकि मुझे इसी में मूल्य दिखता है, तो मैं वही चढ़ाऊंगा जिसमें मुझे मूल्य है। लेकिन तू कहती है तो तेरी बात भी मान लेता हूं, ठीक है। और बुद्ध को मैं जानता भी नहीं कि किस तरह के आदमी है वो, तो उसने फूल भी ले लिया एक हाथ में कमल का और एक हाथ में हीरा लेकर, वह सम्राट बुद्ध के चरणों में गया। जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचा और हीरे का हाथ उसने आगे बढ़ाया, बुद्ध ने कहा गिरा दो। मन में तो उसे बड़ी चोट लगी, चढ़ा दो नहीं कहा, बुद्ध ने कहा गिरा दो। अभी हाथ जरा आगे बढ़ाया ही था कि मगर बुद्ध ने कहा गिरा दो। चोट तो बहुत लगी अहंकार को कि बहुमूल्य हीरा है, गिराने की चीज नहीं है, ऐसा हीरा दूसरा पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है, यह मेरे खजाने का सिरमौर है। मगर अब बुद्ध के सामने न गिराए तो भी फजीहत होगी। हजारों भिक्षु बैठे हुए हैं और सबकी आंखें टंगी हुई हैं। उसने बड़े बेमन से, गिराना तो नहीं चाहता था लेकिन गिरा दिया। सोचा शायद पत्नी ने ही ठीक कहा हो, दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और जरा ही आगे बढ़ाया था, बुद्ध ने कहा फिर गिरा दो। फूल वाला हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया और बुद्ध ने कहा कि गिरा दो। अब तो उसे जरा समझ, उसकी बात समझ से बाहर होगी कि यह आदमी कुछ भी नहीं समझता है, न बुद्धि की बात समझता है न हृदय की बात समझता है। बुद्धि के लिए हीरा था, गणित था उसमें, हिसाब था उसमें, धन था, बेशकीमती था, प्रेम कमल भाव हृदय, और इसको भी कहता है गिरा दो। और मेरी पत्नी तो इसके चरणों में बहुत आती है, वह इसे पहचानती है, और यह उसको भी नहीं समझ पाया। मगर जब कहता है और जब हीरा गिरा दिया तो अब इस कमल में क्या रखा है, दो कौड़ी का है, चलो उसने गिरा दिया। तब वह खाली हाथ बुद्ध की तरफ झुकने लगा, बुद्ध ने कहा गिरा दो। तब तो उसकी बात समझ से बाहर हो गई, उसको लगा कि आदमी पागल है क्या, अब क्या है मेरे पास जो गिरा दूं, सब कुछ तो मैं गिरा दिया। तो बुद्ध रहे शांत। बुद्ध के एक बच्चू ने, सारिपुत्र ने कहा अपने आप को गिरा दो, शून्यवत हो जाओ तो ही उनके चरणों में स्पर्श हो पाएगा। अभी तुम बचे हुए हो, चरण दूर है, तुम मिटे नहीं हो, चरण पास हैं। तब कहते हैं उस सम्राट को उसी क्षण बोध हो गया और वह गिर गया, वह सच ही गिर गया। जब वह उठा तो वह दूसरा आदमी था, वह महल की तरफ वापस न गया, वह भिक्षु हो गया, वह संन्यास्त हो गया। उसने कहा जब गिरा ही दिया तो वापस जाने वाला न बचा, बहुत दूसरों ने समझाया कि इतनी कोई जल्दी नहीं है, उसने कहा कि नहीं अब बात ही नहीं है, बात ही खत्म होगी, जब मैं ही न रहा तो वापस कौन जाएगा, जो आया था वह अब नहीं है। और अब बुद्ध मुझ में समा गए, उनकी बांसुरी मुझे सुनाई पड़ी, जरा सा इतना सुर मधुर है तो पूरे संगीत का आनंद लूं, और यह आनंद कैसा है। तो यह है ओशो वाणी, आप देख रहे थे इंडिया आजकल, सच खबर। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।